रेवाड़ी जिले के बावल में देर रात हुआ हादसा, पुलिस पर हमला, घायल पुलिस कर्मियों की शिकायत पर केस दर्ज, गिरफ्तारी के लिए प्रयास तेज। शाहपुर में अवैध खनन रोकने के लिए गए 3 पुलिस कर्मियों को पीटा, 1 पुलिस कर्मी को चलती स्कॉर्पियो से धकेला। जिले के शाहपुर गांव में रविवार की रात को अवैध खनन रोकने के लिए मौके पर गए 3 पुलिस कर्मचारियों पर वहां मौजूद लोगों ने हमला कर दिया। हमले में बावल थाना के 3 पुलिस कर्मचारियों को चोटें आई हैं, जिनको उपचार के लिए बावल CST में दाखिल करवाया गया। घटना के बाद आरोपियों ने पुलिस कर्मचारियों को एक स्कॉर्पियो में डाल लिया और उसके बाद कुछ दूरी पर तथा तीसरे को गांव के निकट चलती कार में धक्का दे दिया तथा फरार हो गए। सूचना के बाद बावल थाना से पहुंचे भारी पुलिस बल ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए रात भर दबिश भी दी, लेकिन आरोपी वहां से फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने घटना के संबंध में 3 लोगों को नामजद करके 6-7 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी। का जो मामला था, क्या पूरा मामला था सर? हमारे पास रतन सिंह एक सरपंच की कंप्लेंट आई थी फोन द्वारा कि बच्चू सिंह और उसकी फैमिली के लोग इलीगल माइनिंग कर रहे हैं, अपनी गांव में जमीन से मिट्टी उठा रहे हैं इलीगली। तो उस पर हमारी टीम वहां पर गई मौके पे, और इसी दौरान बच्चू सिंह व उसके परिवार के 7-8 लोगों ने उन पर हमला कर दिया और हेड कांस्टेबल क्या नाम है उसका विपिन नहीं हेड कांस्टेबल विष्णु को अपनी गाड़ी में उठा के ले गए जान से मारने की नीयत से, और उसको मार पिटाई की। गुलाब हवलदार था उसके साथ भी मार पिटाई की, और मुलाजिम थे उनके साथ भी मार पिटाई की, और फिर उसे अपने गाँव में छोड़ गए। ये उठाते जो मुलाजिम को लेके गए थे, कहाँ लेके गए और उसके साथ किस तरह का व्यवहार किया? वे हेड कांस्टेबल विष्णु को अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी में उठाकर ले गए और उसको मारपीट की और उसे जान से मारने की धमकी दी और देख लेने के लिए कहा। बताते हैं कि चलती गाड़ी से भी गिरा दिया उनको, बाद में उन्हें चलती गाड़ी से स्विफ्ट गाड़ी से बदल कर और उसे चलती गाड़ी से धक्का दे दिया। कहाँ लेकर गए थे आखिर ये? आस पास ही उधर कुएं पे बता रहा था सूचना के बाद अतिरिक्त फोर्स वहां पहुंची है। सूचना के बाद फोर्स पहुंची है, फिर उसको वहां से ले आए विष्णु को। फिर अभी तक कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, या कोई गिरफ्तारी हो पाई अभी तक? 3 लोगों के खिलाफ बाय नेम दर्ज हुआ है, इसमें बच्चू सिंह मेन है और उसका बेटा है और उसका भतीजा है, और उसके अलावा 4-5 लोग और। बताया जा रहा है कि बच्चू सिंह कोई JDP पार्टी का नेता भी है, इसके बारे में मुझे नहीं पता।